बात होगी बिहार में बढ़ते अपराध और गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ। पटना में आरजेडी का राजभवन में जो मार्च निकाला गया उस खबर की। पार्टी के प्रदेश कार्यालय से आरजेडी नेता और कार्यकर्ता राजभवन के लिए निकले, लेकिन प्रशासन ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को इनकम टैक्स चौराहे पर ही रोक लिया। राजभवन मार्च में पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, आरजेडी विधायक रीतलाल यादव, इन सहित हजारों की तादाद में आरजेडी के कार्यकर्ता निकले थे। आरजेडी कई मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेर रही है। बिगड़ती कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर आरजेडी नेता सरकार पर कई आरोप लगा रहे हैं। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर लगातार क्राइम बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं। यानी आरजेडी इन दिनों अपराध के मुद्दे पर खूब सियासत कर रही है, लेकिन इन आरोपों का नीतीश कुमार हमेशा बहुत ही संजीदगी से आरजेडी को याद दिलाते हैं कि 2005 से पहले क्या होता था। किसी घर से कोई शाम में बाहर निकलता नहीं था और आज सब कुछ नॉर्मल है, आज सब कुछ ठीक हो गया है। नीतीश कुमार का कहना है कि 2005 में बिहार में अपराध चरम सीमा पर था। नीतीश कुमार इसे जंगल राज कहकर भी पुकारते रहे हैं। और देखिए, बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको कुछ पुराने बयान सुनाते हैं नेताओं के कि किस तरीके से एक दूसरे पर ये हमलावर रहे हैं। 2005 में हम लोग आए, एक साथ सरकार में आए, तो क्या था, आप शाम के बाद कोई घर से निकलते थे डर के मारे, कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था और काफी विवाद होता था। पहले कोई किया था, सब हम ही लोग, हम लोग भाजपा एक के साथ न थे जी, तो हम ही लोग सब काम करवाए। तो बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता आभार कार्यक्रम के जरिए कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार नशा मुक्त राज्य बने और राजस्व भी बढ़े, क्योंकि अभी की शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है। शहर से लेकर गांव तक होम डिलीवरी होती है, अपराध बढ़ रहा है और पुलिस शराब में लगी हुई है। अपराध का जो ग्राफ है वो तेजी से चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, और प्रशासन क्या कर रहा है, मूक दर्शक बना हुआ है। ऐसे में लोग अब अपराध को देखने और सुनने के आदी हो गए हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि शराब के मामले को लेकर हर पार्टी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रशासन के लोगों के साथ बैठक कर विमर्श की जरूरत है, ताकि राज्य हित में कुछ बेहतर फैसले हो पाए। अगर आप देखें तो शराबबंदी तो पूरी तरीके से फेल है, हर जगह उपलब्ध है, होम डिलीवरी मिल रहा है, सिर्फ कागजों पर जो है शराबबंदी। तो शराबबंदी के मामले में ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए जहां नशा मुक्त बिहार बने। देखिए, बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, इसी को लेकर सभी पार्टियां अभी से कमर कस रही हैं और सभी पार्टीज की ओर से इसको लेकर पूरे जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। इसी क्रम में राज्य की सियासत में नया कदम रखने वाले चुनावी रणनीतिज्ञ प्रशांत किशोर भी पूरी तरीके से मैदान सजाने में लगे हुए हैं। उन्होंने इसी को लेकर एक बड़ा दावा किया। प्रशांत किशोर कहते हैं कि यदि उनकी पार्टी को चुनाव में बहुमत हासिल हुआ और अगर उनकी सरकार बनी तो वो एक घंटे के भीतर प्रदेश में शराबबंदी को खत्म कर देंगे। जन सुराज की सरकार बनी और एक घंटे में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। जन सुराज पिछले दो साल से हम लोग कह रहे हैं, जिस दिन जन सुराज की सरकार बनी एक घंटा के अंदर बिहार से शराबबंदी खत्म। नीतीश कुमार ने 2016 के अप्रैल में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लगाई थी। नीतीश कुमार की उस समय सराहना भी हुई, शराबबंदी का फायदा नीतीश को बराबर मिलता रहा है। लेकिन अब नीतीश कुमार के साथी और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने खुद एक बयान देकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। शराबबंदी के बारे में हम सदा कहा है कि शराबबंदी कोई खराब नहीं है, हम लोग सब मिलकर के शराबबंदी का प्रस्ताव बिहार में लिया था, तो हम उसको खराब कैसे कहेंगे। लेकिन उसके क्रियान्विति में, एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी हो रही है, और वो गड़बड़ी हो रही है कि गरीब तबके के लोग अगर पाव भर भी कहीं सेवन कर लिया तो ब्रेथ हेमराइजर लगाया जाता है, जेल भेजा जाता है, और दूसरे तरफ जो हजारों हजार लीटर